हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इन प्रीवियस चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट चैप्टर में अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन दिस डायग्राम अ पेंसिल डिप इन वाटर, एक पेंसिल जो है उसको क्या किया गया है, डिप किया गया है वाटर में एंड इट अपीयर्स। ये क्या अपीयर हो रहा है कि जहां से ये इमर्ज कर रही है वाटर में, वहां से क्या हो गई, ये बेंड हो गई, मीन्स ब्रोकन एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एयर एंड वाटर। एयर और वाटर का जहां पे सेपरेशन हो रहा है वहां पे हमें क्या दिख रहा है, ब्रेकेज दिख रहा है इसमें। सेकेंड डायग्राम, अ ग्लास स्लैब प्लेस्ड ऑन प्रिंटेड पेपर, एक पेपर जो है उस पर फिजिकल साइंस प्रिंटेड है, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है एंड द अल्फाबेट्स अंडर द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के नीचे जो अल्फाबेट्स हैं दे अपीयर रेज्ड, वो ऊपर उठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो क्या हो गए, रेज हो गए अपनी पोजीशन से। इन नेक्स्ट डायग्राम, अ लेमन प्लेस्ड इन वाटर, एक लेमन जो है उसको कहां पे डाला हुआ है, पानी में डाला हुआ है, देन द साइज ऑफ द लेमन अपीयर लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज, तो उसका साइज जो है उसके एक्चुअल साइज से क्या हो रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। एंड इन नेक्स्ट डायग्राम, अ कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए बीकर फिल्ड विद वाटर, एक बीकर जो है उसके बॉटम पे एक कॉइन रखा हुआ है, इट अपीयर्स रेज्ड अपवर्ड इन बॉटम ऑन द बॉटम। ये क्या है, बॉटम से अपवर्ड जो है उसकी पोजीशन जो है वो रेज्ड दिखाई दे रही है कि वो बॉटम से क्या है, ऊपर की पोजीशन पे है। एक्चुअल इसकी पोजीशन कहां पे है, एट द बॉटम, बट जो पोजीशन अपीयर हो रही है वो कहां पे हो रही है, अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द बॉटम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, सिंपली द रीजन इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रीजन जो है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। एंड व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट सीम्स टू बी ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ मीडियम, अगर लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। बट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेज इट्स पाथ, दिस फिनोमिना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। It is the phenomena of change in path, means bending of ray of light when it travels from one medium to another medium. अगर light एक medium से दूसरे medium में travel कर रही है, suppose air to glass और air to water, अगर travel कर रही है तो वो जो surface है जहाँ पे क्या है separation हो रहा है दोनों medium का, वहां पे उसका पाथ जो है वो चेंज हो जाएगा, मीन्स वहां से बैंड हो जाएगी वो, दिस फिनोमिना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट इट इज ए ग्लास स्लैब, ये हमारे पास क्या है, एक ग्लास स्लैब है क्यूबिकल, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट देन इट चेंजेज इट्स पाथ, ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, एट द पॉइंट वेयर इट इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास स्लैब इट चेंजेज इट्स पाथ,
इसका पाथ जो है यहां पे क्या हो गया, चेंज हो गया। इट इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वर्टिकल डॉटेड लाइन जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स नॉर्मल। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट डिनोटेड बाय दिस डॉटेड लाइन, स्ट्रेट लाइन, बट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेज इट्स पाथ। दिस फिनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। AO, it is known as incident ray. OB, it is known as refracted ray. NN', it is normal at the point of incidence. Angle between normal and incident ray, it is known as angle of incidence, denoted by I, and angle between normal and refracted ray inside the glass slab, angle R, it is known as refracted angle. AO incident ray, OB refracted ray, N' normal, point O point of incidence, I angle of incidence, and R angle of refraction. If we observe this diagram carefully, then we saw that angle of refraction is smaller than angle of incidence. That's why the refracted ray bent towards the normal. Cause of refraction. What is the cause of refraction? The light travels in vacuum or air with speed 3×10⁸ meter per second. It travels with different speed in different media. Light जो है vacuum में क्या करती है, 3×10⁸ meter per second speed से travel करती है, और different medium में इसकी speed क्या होती है, different होती है. When ray of light travels from one medium to another medium, then the change in speed takes place. उसकी speed जो है वो क्या होती है, change होती है, and which is the cause behind refraction. और वो change in speed जो है वही क्या है, इस refraction का reason है, refraction का cause है. The change of direction means refraction is caused by a change in speed of light. Light की अगर speed change होती है उसके इसमें क्या होगा, उसका path change होगा, means वो क्या हो जाएगी, bend हो जाएगी, and it is known as refraction. For example, when light travels from air into water or glass, it shows down and bend towards normal. ये diagram हम अभी देख चुके हैं. AO incident ray travels from air to glass and actual path this dotted line, but it bends towards normal. But it bends towards normal when enter in glass. जब ये ग्लास में एंटर करती है तो स्ट्रेट मूव ना करके इसका पाथ क्या हो जाता है, ओ बी हो जाता है, मीन्स ये नॉर्मल के टू वर्ड्स बैंड होती है. व्हेन द रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास और एयर टू वाटर इट स्लो डाउन, इसकी स्पीड जो है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. एंड व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इट बैंड टू वर्ड्स नॉर्मल, जब इसकी स्पीड डिक्रीज होगी तो ये क्या हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर जो है वो एंगल आई से क्या रहेगा, कम रहेगा, विच शोज दैट द रिफ्रैक्टेड रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल. सेकेंड इज व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वॉटर और ग्लास टू एयर इट्स स्पीड इंक्रीजेज एंड बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. अगर यही रे ऑफ लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है फ्रॉम वाटर टू एयर और ग्लास टू एयर,
तो उस केस में क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी, क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, डेंसिटी कम है उसकी, ग्लास और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसमें स्पीड कम होती है। तो जैसे ही वो एयर में एंटर करेगी उसकी स्पीड इंक्रीज होगी, और स्पीड इंक्रीज होते ही वो क्या हो जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस डायग्राम में देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर, रे ऑफ लाइट वाटर टू एयर ट्रैवल कर रही है, एंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वाटर टू एयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये डॉटेड लाइन जो है ये किसको शो कर रहा है, नॉर्मल को शो कर रही है, एंड दिस रेड डॉटेड लाइन शोज द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, जो कि इंसिडेंट रे का पाथ था। अगर ये स्ट्रीट मूव करता तो ये डॉटेड पाथ जो है फॉलो होना था, बट इट चेंजेज इट्स पाथ एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। इन दिस केस ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी इट इज रिफ्रैक्टेड रे, एन एंड एस इट इज नॉर्मल, एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दिस केस एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द वाटर, वाटर के अंदर का एंगल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट्स वाई ओ ए इज इंसिडेंट रे। एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड इन दिस केस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ एंगल आर जो है वो ग्रेटर रहेगा किससे, एंगल आई से, दैट्स वाई कि ये डॉटेड लाइन एक्चुअल पाथ होना था। अगर ये एक्चुअल पाथ होता तो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता, बट ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, मीन्स एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर और ग्लास टू एयर, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। नोट डाउन, इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन, जब रिफ्रैक्शन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट में बी चेंज, लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो रही है। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड चेंज हो रही है, एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज ऑल्सो चेंजेस। वेवलेंथ चेंज होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी और स्पीड चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट इज द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये तीनों जो हैं एक ही प्लेन में होंगे। जिस प्लेन में इंसिडेंट रे रहेगी उसी में नॉर्मल रहेगा, और उसी प्लेन में क्या रहेगा, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी। दिस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था सेम है वही। सेकेंड लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। रेशियो किसका, साइन, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है साइन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मीन साइन आर, ये किसी भी एक पर्टिकुलर पेयर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एंड इट इज रिटन एज साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। ये कांस्टेंट जो है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड मीडियम जिसमें एंटर कर रही लाइट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और फर्स्ट मीडियम कौन सा है, जहाँ से लाइट ट्रैवल करती हुई आ रही है, और एक पर्टिकुलर पेयर के लिए ये साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है।
अगर हम पेयर चेंज करेंगे तो ये रेशियो चेंज होगा, एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज स्नेल्स लॉ। इस सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज नॉन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इट इज ऑल्सो नॉन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, एंड इन डिटेल वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन नेक्स्ट वीडियो लेसन। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो लेसन जो है उसमें डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।